आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। गुजरात के पालनपुर में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र हामून तूफान में तब्दील हुआ। बिहार के गोपालगंज में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, 3 लोगों की मौत। भगदड़ में करीब दर्जन भर लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। चौबीस घंटों में गाजा पर इसराइल के 300 हमलों के बीच हमास ने 2 और बंधकों को किया रिहा। मेक्सिको में हुई गोलीबारी में 12 पुलिस अधिकारियों सहित 16 की मौत। मुंबई के बोरेवली आग में पूर्व आईपीएल क्रिकेटर पॉल की बहन और भांजे की मौत। इंग्लैंड से आई थी ग्लोरी। बोरेवली की वीना संतूर बिल्डिंग में आग लगने से एक महिला और उसके 8 साल के बेटे की मौत हो गई। दो गुट और दो मैदान, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन आज। मुंबई में छावनी का रूप, दशहरा सभा को देखते हुए 12,000 पुलिसकर्मियों की कड़ी सुरक्षा। थाने जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है कि अवैध होटलों और ढाबों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन की सीमा में होटलों और ढाबों की भरमार हो गई है। ये ढाबे नियमों का उल्लंघन करते हुए देर रात से सुबह तक खुले रहते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली 4,000 कप सिरप की बोतल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।